धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी सतगुरां दे पावन पवित्र निघी गोद अंदर शुभायमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सतगुरां ने अपार किरपा कीती है। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी सतगुरां दे पावन पवित्र अमृतमय बाणी दे अंदरों साहिब धन गुरु अर्जुन देव पातशाह जी सतगुरां दी पावन मुबारक रसना तो उच्चारण कीते अमृत बचन सवैये श्री मुखवाक महला पंजवां, जो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी सतगुरां दे पावन अंग 1385 तो आरंभ हुंदे ने। इन्हां पावन समयां दी विचार आप जी इन्हां पावन दीवाना विच सरवण कर रहे हो। हुण तक साध संगत आपां सतगुरां दी पावन इस अमृत बाणी दे अंदरों तकरीबन 11 समयां दी विचार संपूर्ण कीती है। अज 12वां सवैया जो आप जी ने बड़े प्यार दे नाल सरवण कीता है, इन्हां अमृत बचना दी विचार आपां रल मिल के सांझी करनी है। आओ सब तो पहला आप जितने तन सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़ बैठे हो, सतगुरु धन गुरु ग्रंथ से पातशाह जी दी अमृत बाणी नूं समझण तो पहला अपनियां मनोबिरतियां नूं सतगुरां दे चरणां विच एकागर करिए। जो मेरे साहबान का पावन हुक्म है बाणी दे अंदर कि प्रभ की उस्तत करहु संत मीत, सावधान एकागर चीत, परिपूर्ण परमात्मा की वडियाई उनकी उस्तत सावधानता दे नाल और एकागर चित हो के करनी है, ता ही उनका सानू लाभ है। ते साध संगत जे जे आए रागी सिंघां ने कीर्तन कर देने, भाई साहब जी ने कथा कर देनी है, ते जे असी आके ते अपनियां ही गल्लां करके चले गए, माफ करना फिर साडा आया ना आया एक बराबर है। जे सतगुर ने सतसंगत दियां घड़ियां बख्शियां ने, ते आओ बड़े प्यार नाल मनोबिरतियां नूं एकागर करके सतगुरां दी बख्शी होई फतेह नाल सांझ पाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दे इस पावन सवैये दे अंदर धन धन गुरु अर्जुन दे पातशाह जी ने कृपा कीती है, मनुख नूं परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरख दी बख्शिशां, उस मालक दी सब तो वड्डी रहमत जिहड़ी परमात्मा ने रब जी ने इस मनुख उपर कीती है, अज सतगुर ने उस बख्शिश उस रहमत नूं इन्हां पावन बचनां दे विच चेताया है। वेखो साध संगत, अक्सर मनुख दी ये विडंबना है कि जदों इंदे कोलो कुछ नहीं हुंदा उदों ये उस चीज़ दी मंग करदा है, ते जदों इंदे कोलो कोई चीज़ आ जांदी है फिर ये उस चीज़ दी कदर करनी भुल जांदा है। जिन्नी देर तक पदार्थ नहीं सन ये रोजाना पदार्थां दी मंग करदा है, ते जिदन पदार्थ बहुतात विच मिल जांदे ने उदन पदार्थ ते चेते रह जांदे ने, पर उदन करता परमात्मा अकाल पुरख भुल जांदा है। सच ये है ये रब दी भी कदर उन्नी देर तक करदा जिन्नी देर तक इंदी अपनी गरज पूरी नहीं होई। जिदन इंदी गरज पूरी हो जांदी है उदन चीज ते याद रह जांदी है, इनू रब विसर जांदा है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी कहिंदे ने मना ऐसे भरम विच ऐसे भुलेखे विच अपना जीवन ना जिउंदा रही, सतगुर दी बख्शिश नूं परमात्मा दी रहमत नूं सदा अपने जीवन दे अंदर याद रखी। सब तो वड्डी केड़ी किरपा परमात्मा ने साडे उपर कीती है, धन गुरु अर्जुन देव पातशाह कहिंदे ने सब तो वड्डी किरपा है उस परमात्मा दा सानू आ शरीर दा देना, ये शरीर वर्गी होर कोई नियामत नहीं। वेखो सतगुर ने बाणी दे अंदर
बाबा कबीर साहब कहते हैं कबीर मानुख जन्म दुलंब है। दुलंब का मतलब है कीमती। दुलंब शब्द अक्सर साध संगत जी उत्थे वरत्या जाता है क्योंकि कीमती चीज़ा तो बड़िया ने दुनिया के अंदर, कीमती तो कीमती चीज़ा ने संसार के अंदर। बंदा किसी जोरी की दुकान पर चला जाए वो इनू कीमती तो कीमती सोने दियाँ चांदी दियाँ हीरे मोतियां दियां चीज़ां कीमती तो कीमती दिखाएगा। उन्हां दी कीमत एक तो एक वध के है, पर सच यह है अंत गल यह है भी उन्हां चीज़ां दी कीमत है। उन्हां चीज़ां नूं तोलिया जा सकदा है, नापिया जा सकदा है, मिणिया जा सकदा है, गिणिया जा सकदा है, उन दी कीमत अदा कीती जा सकदी है। पर गुरु ग्रंथ साहिब जी कहिंदे ने आ शरीर दी कीमत यह अदा नहीं कीती जा सकदी। तुसीं कहोगे भी ओ किवें? वेखो साध संगत, एक छोटी जी बेनती तुहाडे चरणों दे विच, जदों किते रब ना करे साडे शरीर नाल कोई ऐसा समा वापर जाए, शरीर दा कोई अंग डैमेज हो जाए, शरीर दा कोई अंग काम करना छड़ दे, ते तुसीं उस वक्त किसी वैद नूं किसी डॉक्टर नूं आखो भी आ जिहड़ा मेरे शरीर दा अंग काम करना छड़ के इंदे बदले दे विच तुसी कोई दूजा अंग मेरे शरीर दे नाल ला दिओ ताकि मेरे शरीर दे कर्म उसे तरह हुंदे रहन। वेखो सतगुरु जी ने बाणी दे अंदर इसे करके शरीर नूं कीमती कहा। वो डॉक्टर आखेगा भाई इंदे नाल दा अंग मैं ला ते दिया, पर सच यह है जिवें आ परमात्मा दा दिता अंग तेरे अंदर काम करदा सी उवें ओ अंग काम नहीं करेगा। तो जे पहली गल तो उनकी कीमत ही नहीं भी उनकी कीमत देनी बड़ी औखी है। साध संगत ज़्यादा दूर ना जाइए, वेखो मालक ने इन्नी बख्शिश की है, सानू हाथ दिते ने पैर दिते ने, हाथ खराब हो जाए या हाथ वड्या जाए या लत खराब हो जाए लत वड्डी जाए, कृत्रिम अंग जेड़े ने वह लाए जाते ने, पर बंदा जिन्नी देर इन्हां दो जिन्नी तेज इन्हां पैरां नाल दौड़ सकदा है कि कृत्रिम अंगां दे नाल उन्नी तेज दौड़ सकदा है? नहीं दौड़ सकदा। इन्हां टंगां दे नाल भज के जिन्नी ऊंचाई ते चढ़ सकदा है कि कृत्रिम अंग लगन दे नाल उन्हां अंगां दे नाल इह इन्नी चौड़ाई ऊंचाई ते चढ़ जाएगा? नहीं चढ़ सकदा। साध संगत इसे तरह ये अखां ने, नक है, कन्न ने, परमात्मा ने शरीर के अंदर इन्ने अंग ने, इन्हां एक एक अंग की कीमत नहीं दी जा सकती। ये बड़े कीमती ने। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी इसे करके कहिंदे ने भाई मानुख जन्म दुलंब है, होए ना बारे बार। बाबा जी ने एक एग्जाम्पल दी, कहिंदे ज्यो बन फल पके भुए गिरे, जिवें रुख ते फल पकदे ने धरती ते डिग पैंदे ने, ते डिगे हुए फल नूं दुबारा रुख नाल नहीं जोड़िया जा सकता। धन गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने ज्यों बन फल पाके पोए गिरै बहुर ना लागे डार, मुड़ के उह डाली नाल नहीं लगदे। बंदे आ चेते रखी, जिदन शरीर नाश हो गया मुड़ के तू आखे भी मैनूं जीवित कर ला, मैं जीवित नहीं होएगा। सतगुरु कहिंदे ने इस करके इहदी वडियाई नूं समझ। अज गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी ने जो पावन बचन बख्शे ने, धन गुरु अर्जुन देव साहिब कहिंदे ने रंचक रेत खेत तन निर्मत। परमात्मा ने रंचक रेत, रेत का मतलब वैसे होंगे रताकू, वैसे रंचक का मतलब भी रताकू है। रेत का मतलब एक तो आ रेत जी असी आम मटीरियल रूप में मकान खड़े करने विच यूज करने हैं। इत्थे रेत का अखरी अर्थ है पिता का ओ बीरज, जिंदे नाल मां दे उदर दे विच इंदी रचना कड़ी गई। ये परमात्मा की कुदरत नियमावली है। साध संगत परमात्मा ने बिद बनाई है, ता ही सतगुरु ने बाणी विच कहा मात पिता बिन बाल ना होई। मां ते पिता दे संजोग तो बिना संसार दे अंदर बच्चे की उत्पत्ति नहीं। इसे करके सतगुरु जी ने बाणी अंदर बड़े ऐसे शब्द वरते ने जिथे दातार पिता जी ने इन्हां चीज़ां दा खुलासा कीता है। साहिब कहिंदे ने मां की रकत पिता बिंद तारा, मूरत सूरत कौ अपारा। परिपूर्ण परमात्मा ने किरपा कीती मां दी रकत तो ते पिता दे वीरज तो
उस करते परमात्मा ने आ जिहड़ी शरीर रूपी मूरत बड़ी सोहणे रूप विच कर दित्ती। उस अपार परमात्मा ने मूरत सूरत कर अपारा उस परमात्मा ने। फिर पातशाह कहिंदे ने रंचक रेत खेत तन निर्मत दुर्लभ देह सवार तरी। परमात्मा ने आ कीमती देह सवार दित्ती, एक कीमती देह बनाई तैयार की उस परिपूर्ण परमात्मा ने। किवें तैयार की? इहदे लई मेरे मालक ने मां का उदर चुनिया ते पिता का बीरज, मां की रकत मां के खून तो ते पिता के बीरज तो भाव मां प्यो के संजोग तो यह सोहनी शरीर रूपी मूरत उस परमात्मा अकाल पुरख ने घड़ी बनाई। फिर पाता कहिंदे ने खान पान सोदे सुख पुंचत। परमात्मा ने कृपा की इहनू खाण पीन दे लई। सोदे का मतलब है अनेक सुंदर महल माड़ियाँ उस परिपूर्ण परमात्मा ने दित्तियां। सुख पुंचत अनेक सुख पुंचन दे लई दित्ते। नाल साहब कहिंदे ने संकट काट विपत करी। जिन्हें जीवन के अंदर संकट सन परमात्मा ने उन्हां विपदावां नूं उन्हां संकटां नूं दूर कर दिता। भी एक सिर्फ शरीर नहीं रचिया, उस मालक ने अपनी कुदरत दे अंदर जो कुछ इहनूं अपने जीवन विच चाहीदा सी उह सब पदार्थ परमात्मा ने इस कुदरत दे अंदर पैदा करके इहनूं दित्ते। इहनूं खाण पीण दे लई दित्ता, जिहड़े मटीरियल दे नाल इहने सुंदर महल माड़ियां बणाईआं। धन गुरु अर्जुन साहब कहिंदे ने उह मटीरियल भी परमात्मा ने इहनूं कुदरत विचों दित्ता। वेखो साध संगत, बंदा बने माण नाल कहिंदा मेरे कोल इन्ना कुछ, पर सतगुरु कहिंदे ने तेरा दे विच कुछ भी नहीं, इह असल विच सब कुछ करते दा दित्ता है। बंदा आखे जी नहीं पदार्थ मेरे ने, धन मेरा है, महल माड़ियां मेरे, सतगुरु कहिंदे ने असल विच तेरा कुछ भी नहीं, जो कुछ तू इस कुदरत दे विचों हासिल कीता है। सोच जे तू होवे ते कुदरत ना होवे ते तू कित्थों हासिल कर लेगा। इन्हां चीज़ां नूं सानूं समझना पएगा सात संगत। इसे करके धन गुरु अर्जुन देव पातशाह कहिंदे ने संकट काट विपत हरी। परमात्मा ने सारे संकट कट के विपतावां कट के इन्दे जीवन दे संकट दूर कर दिते। इनू संसार दे अंदर निम्मिया साजिया बनाया, खाण पीन वर्तन दे लई वस्तुआं दित्तियां। फिर पातशाह कहिंदे ने मात पिता भाई अर बंधप मां प्यो भरा अते रिश्तेदार बूझन के सब सूझ परी। इनू इन्नी समझ दित्ती भी इनू इस गल की समझ आ गई भी मेरी आ माँ है, आ प्यो है, आ भरा ने, आ रिश्तेदार ने। वेखो ये भी समझ दे नाल ना आप जो परमात्मा की कुदरत वेखने थोड़ा जा प्रैक्टिकल रूप में समझो सात संगत। वेखो दुनियावी तल ते एको बच्चा जिहड़ा संसार के अंदर जन्म लिया है, जिन्हें जिन्हों खाण पीन दे लई सब पदार्थ मुहैया ने, जिहड़ा संसार दे अंदर शरीर जिंदा वध फुल रहा है पर मैंटली उन्दे कोलो सूझ ना होवे। असीं कहिंदे आ बंदा ये दिमागी तौर ते इह ठीक नहीं हैगा। हुण दिमागी तौर ते जिहड़ा बंदा ठीक ना होवे उहनूं पता नहीं हुंदा मेरी माँ कौन ने, मेरा प्यो कौन ने, मेरे भरा कौन ने, रिश्तेदार कौन ने। पर सतगुर पातशाह कहिंदे ने परमात्मा ने कृपा कर जिथे माँ दे उदर विच तेरी रचना कीती, जिहनूं धन गुरु अर्जुन साहिब कहिंदे ने रकत बिंद कर निम्या अगन उदर मजार, उर्द मुख कुचील बिकल नरक कोर गुबार, हर सिमरत तू ना जले मन तन उरतार, मेरे मना ऐसे मालक नू चेते कर। पातशाह कहिंदे ने ओह परमात्मा जिन्हें निम्या साजिया बनाया, खाण पीण दियां वस्तुआं दित्तियां, पातशाह कहिंदे ने इन्ना ही नहीं बूझन की सब सूझ भरी, जिन्हें तेनू इन्नी समझ दित्ती कि तेनू बूझ पता लग गई भी मेरा माँ कौन है, प्यो कौन, रिश्तेदार कौन ने। तेनू इन्नी अकल दित्ती कि तू अपने जीवन दे अंदर मापिया नू समझिया, रिश्तेदारा नू समझिया, तेनू संसार दी समझ आई, तेनू कार विहार दी समझ आई। सच जान जे तेरे कोल शरीर होवे, पदार्थ होण, सब कुछ होवे पर तेरे कोल सूझ ना होवे ते मेरे सतगुरु कहिंदे ने तू पशुआं नालों भी नीवां जीवन संसार ते जिएगा। इसे करके पातशाह कहिंदे ने मालक ने तेरे ते कृपा कीती, तरस कीता। पातशाह कहिंदे ने वर्धमान होवत दिन प्रतनित। वर्धमान का मतलब है वधदा है। सतगुरु कहिंदे ने दिन प्रत
ਦਿਨਾਂ 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 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਵਤ ਨਿਕਟ ਬਿਖਮ ਜਰੀ, ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਔਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਰੀ, ਜਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਰ, ਬੁਢੇਪਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਢੇਪਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਢੇਪੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੇ ਗੁਣਹੀਨ, ਹੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ, ਦੀਨ, ਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਮਨੁੱਖ, ਮਾਇਆ ਕ੍ਰਿਮ, ਹੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੀੜੇ, ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਏਕ ਘੜੀ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਬੰਦਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਕ੍ਰਿਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪਾਪ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਕ੍ਰਿਮ, ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਏਕ ਘੜੀ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਕਰ ਗਹਿ ਲਿਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਕਰ ਗਹਿ ਲਿਹੋ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ। ਨਾਨਕ ਕਾਟ ਪਰਮ ਭਰੀ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਰਮਾਂ ਦੀ ਭੰਡ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਂ ਦੀ ਭੰਡ ਕੱਟ ਕੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਕਰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਭਵਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਭਵਜਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੋ। ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਆਰ ਅਤੇ ਖਜਿਤ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਭਾਰ ਲਵੋ। ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵਾਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜਤ ਹੋ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮ ਕੀੜਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਜੀਵਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਵਈਏ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਦਾਤ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ। ਸਾਸੰਗਤ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਲੰਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀ ਉਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਗਲੇ ਸਵਈਏ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,